माय नेम इज़ कपिल तलरेजा। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो आप सबके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन ये आप शायद आपको पता नहीं होगा कि जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका हो जाता है तो बैंक से आपको एक BRC सर्टिफिकेट लगता है, बैंक रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट, जो कि आपको CA मांगता है दोस्तों। तो एक बार आपको वो सर्टिफिकेट के लिए कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इंटरनेट ऑप्शन में जाना है। इंटरनेट ऑप्शन में जाके दोस्तों वहाँ पे गूगल में आपको DGFT टाइप करना है दोस्तों। ये बहुत ही काम की वेबसाइट है दोस्तों। इसमें देखिए ये आ गया है DGFT.government.gov.in। ऊपर आप देख सकते हैं DGFT.gov.in। इसमें आपको जाना है दोस्तों, इसमें आपको ऊपर जो है क्रॉस कर लीजिए। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो यहाँ पे पांचवा ऑप्शन है, चेक इफ़ माई BRC इज़ अवेलेबल इन DGFT साइट, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपका विंडो खुल जाता है। इसमें दोस्तों ये सब ट्रांजेक्शन होने के बाद DGFT इसमें आपका अपलोड करता है दोस्तों। इसमें आपको जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है दोस्तों। जो भी आपका शिपिंग का डिटेल है दोस्तों, वो इसमें आपको शिपिंग बिल नंबर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में डालना पड़ेगा दोस्तों। इतना डिटेल आप डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पे, और जो भी आपका बैंक का IFC कोड रहेगा वो आपको इसमें डालना पड़ेगा दोस्तों, वो आपको बैंक से मिल जाएगा दोस्तों। इसमें अगर आपको शिपिंग बिल का डेट है वो भी आप डाल दीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो एंटर द कैप्चा है वो भी आपको डालना पड़ेगा। इसमें जैसे ही आप शो डिटेल करेंगे दोस्तों, तो अगर आपका BRC अपडेट हुआ है तो इसमें आपको बता देगा दोस्तों। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों, कहीं पे भी आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये आपका अपडेट होता है, इसका प्रिंटआउट निकाल के आप अपने CA को दे सकते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।